Hello students of class 4th, today we are going to start our third lesson. The name of lesson is A Day with Nandu. Ek din Nandu ke saath. Theek hai, Nandu ek, kiska naam hai? Yahan par kiski picture dikh rahi hai aapko ek? Elephant ki, theek hai? Ek din Nandu ke saath. Nandu wakes up. Nandu utha. Kahan se utha? Neend se. Jab neend se uthte hain to use kya bolte hain? Wakes up. नंदू वोक अप एंड ओपन्ड हिज आइज. नंदू उठा और उसने अपनी आँखें खोली. फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. कुछ सेकेंड्स के लिए उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है. ठीक है. इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स. उसे लगा कुछ देर के लिए कि वो कहाँ है. एक घने जंगल में है जहाँ पर वो बड़े बड़े ऐसे पेड़ों से जिनकी जो ट्रंक्स हैं वो ग्रे कलर में हैं उन पेड़ों से घिरा हुआ है. ही ब्लिंक्ड हिज आइज. उसने अपनी आंखें झपकाई एंड लुक्ड अराउंड और इधर उधर देखा. ओह देयर वॉज अ माँ. ओह यहाँ तो मेरी माँ है. ठीक है. वो क्या था? अपनी माँ के अंडर में था तो उसे लग रहा था कि जो उसकी माँ के पैर हैं वो ग्रे कलर की ट्री ट्रंक्स हैं. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड He was in was actually the legs and trunks of his family members. जो ग्रे कलर्स का उसका फॉरेस्ट दिख रहा था वो एक्चुअली क्या था? एक उसकी माँ के तो लेग्स थे और जो उनकी ट्रंक्स सूंड होती हैं वो थे. जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे उनके पैर और ट्रंक्स उसको बड़े बड़े पेड़ जैसे लग रहे थे. The sun was overhead and it was getting hot. जो सूरज था वो काफ़ी निकल चुका था. ठीक है. सूरज जो है सर पर चढ़ चुका था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी. नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड. उसकी नानी माँ ने क्या करा? जो वो कराते हैं जो उनकी साउंड होती है वैसे किया और बहुत ज़ोर से वो साउंड निकाली. नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. जो हाथियों का झुंड था, हर्ड यानी कि झुंड, उसमें सबसे बूढ़ा कौन था? नानी माँ. She started moving towards the jungle. और उसने जंगल की तरफ जाना स्टार्ट किया. The other female elephants saw her and started to follow her. और जो बाकी फीमेल एलिफेंट्स थे उस हर्ड की, उन्होंने नानी माँ को देखा और उन्हें फॉलो किया. नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम. नंदू भी कहाँ गया? उन्हीं के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा. ठीक है. When they reached the jungle, जब वो जंगल में पहुँचे, the members of the herd started spreading out. जो भी उस herd के members थे, ठीक है, जो उनका झुंड था वो इधर उधर spread होने लगे, फैलने लगे. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. सारे जो members थे वो अपने favorite, जो उनको पसंद पत्तियाँ थी वो खाने चले गए. After they had eaten, जो वो पत्तियाँ खाने के बाद, द हर्ड मूव टुवर्ड्स द रिवर. जब उनका पेट भर गया तो उसके बाद वो कहाँ गए सब के सब? नदी के तरफ जाने लगे. द बेबी एलिफेंट्स इन्जॉयड प्लेइंग इन द वाटर. जो एलिफेंट्स के बच्चे थे, छोटे छोटे वाले बच्चे हैं जो, उनको पानी में खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो मदर्स हैं उनकी, जो एलिफेंट बेबी हैं उनकी जो मदर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? जो नदी के किनारे पर कुछ मिट्टी है, गीली मिट्टी जो थी, वहाँ पर वो लेट गए. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे. जो क्या आप जानते हैं कि जो एक एडल्ट एलिफेंट है, यानी कि जो एक एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट नहीं, बड़ा एलिफेंट जो होगा वो क्या है, एक दिन में लगभग 100 किलो पत्तियाँ खा लेता है. ठीक है. एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. जो हाथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. वो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, सोते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. एलिफेंट्स को गीली मिट्टी और पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है, उन्हें इस चीज़ से बहुत प्यार है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. क्यों पसंद है उन्हें? क्योंकि जो गीली मिट्टी होती है वो उनकी स्किन को ठंडा रखती है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं वो भी पंखे की तरह उनको यूज़ करते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्व्स
कूल। वो क्या करते हैं, अपने बड़े बड़े कानों को फ्लैप करते हैं, यानी कि इधर उधर हिलाते हैं ताकि उन पर हवा आए और वो अपने आप को ठंडा महसूस कर सकें। फाइंड आउट, आपको कुछ चीज़ें फाइंड करनी हैं। नंदू इज़ ओनली 3 months old, जो नंदू है वो सिर्फ अभी 3 महीने का है। बट ही वेक्स 200 kilograms, लेकिन जो उसका वेट है वो कितना है, 200 kilogram। वट इज़ योर वेट, आप बताइए कि आपका कितना वेट है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट। क्या आप बता सकते हैं कि जो आपका वेट है तो आपको टोटल कितने बच्चे चाहिए होंगे जो सेम आपके वेट के हों, ताकि नंदू का वेट और आप सब बच्चों का वेट सेम हो जाए। आपको ये फाइंड करना है। फन एंड गेम्स, मज़े और कुछ खेल। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि जो उसके भाई बहन हैं वो एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट, उसने सोचा, आई बेटर नॉट गो नियर देम, वॉट इफ दे फॉल ऑन मी। नंदू ने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं उन लोगों के पास ना जाऊँ, क्या होगा अगर उनमें से कोई मेरे ऊपर एक गिर गया। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी भी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, वो आराम से गया और अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, उसकी माँ ने क्या किया, उसको आराम से पानी की तरफ धकेल दिया, मीन्स पुश किया आराम से। As if she was telling him to go and play, कि वो उसको क्या कहना चाहती थी कि तुम भी जाओ और वहाँ खेलो। नंदू loved to play in the water, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। His cousins were already there, जो उसके cousins हैं वो पहले से ही वहाँ पानी में थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head, जैसे ही वो पानी के पास गया, बहुत ही ज़्यादा फाउंटेन यानी कि झरना उसके सर पर, पानी का झरना जो पड़ा। ही गॉट वेट, वो गीला हो गया। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न, ये जो फाउंटेन उसके ऊपर आया था वो किसने किया था, उसकी एक नॉटी सी कज़न। नंदू जॉइंड देम इन द गेम, नंदू ने उनको इस गेम में ज्वाइन कर लिया। कौन सा गेम, जो वो अपनी ट्रंक में पानी भरकर एक दूसरे पर डालकर एक दूसरे को भिगा रहे थे, इस वाले गेम में। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द जंगल, सूरज ढलने से पहले जो उनका झुंड था वो वापस जंगल की तरफ जाने लगे। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और तब तक नंदू जो है बहुत थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल असलीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, नंदू ने क्या किया, अपनी माँ की जो फ्रंट लेग्स थे उसमें खुद को सेटल कर लिया और वहाँ पर सो गया और अपनी माँ का दूध पीने लगा। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, अब आपने क्या है, नंदू और उसके जो एलिफेंट हर्ड है उसके बारे में पढ़ लिया है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स, जो एक एलिफेंट का हर्ड होता है, हाथियों का झुंड होता है, उसमें मोस्टली क्या होते हैं, सिर्फ फीमेल्स और जो बेबी एलिफेंट्स हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, जो सबसे बूढ़ी फीमेल होगी वो उस हर्ड की लीडर होती है। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, एक जो हाथियों का झुंड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 फीमेल्स और बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, जो मेल एलिफेंट्स होते हैं उस हर्ड में वो सिर्फ तब तक ही वहाँ उनके साथ रहते हैं जब तक भी कि वो 14 या 15 साल के नहीं हो जाते। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, उसके बाद वो अपना झुंड जो है छोड़ देते हैं और इधर उधर अकेले ही रहने लगते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वेन ही इज़ दैट ओल्ड, नंदू भी अपने उस हाथियों को झुंड को छोड़ देगा जब वो भी 14-15 साल का हो जाएगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, जैसे कि एलिफेंट्स हर्ड में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वैसे ही कुछ और जानवर भी हैं जो कि एक साथ ग्रुप बनाकर रहा करते हैं। दिस एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स, इस एनिमल के झुंड को, ग्रुप को हर्ड कहा जाता है।
Animals and herds usually move around together searching for food. एनिमल्स जो हर्ड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो क्या है, इधर उधर घूमते हैं एक साथ, किस चीज़ के लिए, सर्चिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने के लिए. इफ़ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. अगर आप नंदू होते और आप एक हर्ड में रह रहे होते तो आप कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये आपको खुद से बतानी है. जैसे कि आप खेलते, डांस करते, गाना गाते और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उस ग्रुप में करते हैं ना, तो आपको ये खुद से कुछ आंसर करने हैं. इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग. जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें हमने बताया कि जो ओल्डेस्ट फीमेल है वो उनकी लीडर होती है, तो वो ही डिसाइड करती है कि उनको कहाँ जाना है और क्या करना है. हु टेक्स डिसीजंस इन योर फैमिली. आपसे पूछा गया है कि आपकी फैमिली में कौन डिसीजंस लेते हैं, तो मोस्टली आपकी फैमिली में कौन डिसीजन लेते होंगे, मम्मी और पापा, है ना. मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक. आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आप एलिफेंट हर्ड बनाएंगे. फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन. आपको उसके लिए क्या करना होगा, एलिफेंट्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी होंगी. कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक. और नोटबुक में आपको पेंसिल से नहीं ड्रॉ करना है, क्या करना है, इधर उधर से कुछ एलिफेंट्स के पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, उनको कट करनी है, शेप में अच्छे से शेप देनी है और फिर उनको कॉपी में चिपका देना है ग्लू से, ठीक है. नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू. नंदू जो है, जो चीज़ें उसको पसंद होती थी वो चीज़ें किया करता था. इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विद योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल वुड यू डू. आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं कि अगर आप भी नंदू की तरह अपने फ्रेंड्स के साथ दिन भर रहें तो आप क्या क्या करेंगे, ठीक है. तो आप क्या क्या करेंगे, प्ले, डांसिंग, सिंगिंग और भी आप जो जो करेंगे, जो भी आपको एक्टिविटीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ करनी होंगी वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है. फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड. आपको फाइंड करना है और लिखना है कि कौन कौन से और जानवर हैं जो कि हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, जैसे कि डियर, जेब्रा, चीता एट्सेट्रा. इसके अलावा और भी एनिमल्स आपको फाइंड करने हैं और खुद लिखना है. डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप. क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं. डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट. क्या आपको पसंद है कि आप एक साथ किसी ग्रुप में रहें. वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. क्यों आपको पसंद है एक ग्रुप में रहना और क्यों आपको नहीं पसंद है एक ग्रुप में रहना, आपको ये आंसर करना है, ठीक है. कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, कुछ आप खुद से करेंगे. वाई आई वुड लाइक, क्यों मुझे पसंद है ग्रुप में रहना, ठीक है. तो क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है. वाई आई वुड नॉट लाइक और क्यों नहीं पसंद है, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, वी कैन हेल्प ईच अदर. अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हम एक दूसरे की आसानी से मदद कर सकते हैं, है ना. वाई आई वुड नॉट लाइक, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देयर मे बी फाइट्स. अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो हो सकता है कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगें. सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे वाई आई वुड लाइक में, लिविंग टुगेदर इज़ गुड फॉर सिक्योरिटी. एक साथ रहने से क्या है, हमें काफ़ी सिक्योरिटी मिलेगी, है ना. जब हम एक साथ रहेंगे तो किसी को भी कुछ डेंजर फील होता है तो वो एक दूसरे को बता देंगे और हम अलर्ट हो जाएंगे. बट वाई आई वुड नॉट लाइक, इसमें हम क्या लिखेंगे, और पर्सनल लाइफ मे गेट अफेक्टेड. जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो हो सकता है कि वो अफेक्ट हो जाए, है ना. जो हमारी पर्सनल लाइफ है, पर्सनली हम कुछ करना चाहते हैं वो हम ग्रुप में नहीं कर सकते हैं. वाई आई वुड लाइक में हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, लिविंग टुगेदर मेक्स सेलिब्रेशन मोर फन. जब हम एक साथ रहते हैं तो जो हम कुछ भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे, मैरिज फंक्शन, तो उसमें क्या है, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग होने से ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है. Why I would not like में हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, We have to share food and space. हमें क्या करना होगा, जब हम एक साथ रहते हैं, अगर हम ज़्यादा दिनों तक एक साथ रहेंगे तो हमें फूड और स्पेस दोनों चीज़ें शेयर करनी होंगी, इसलिए हमें ये नहीं पसंद है. इसके अलावा वन मोर पॉइंट आप खुद से लिखेंगे, हाउ डू एलिफेंट्स फील वेन दे कैप्ड इन चेन्स, डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स. आपको क्या लगता है कि जब एलिफेंट्स एक चेन बनाते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए. अगर आप चेन बनाते हैं तो आपको कैसा फील होगा वो आपको खुद लिखना है. हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड इट फील.
आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी एलिफेंट की सवारी करी है? अगर हाँ तो आपको कैसा लगा था उस टाइम, ये भी आपको खुद आंसर करना है। विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन, राइट देयर नेम्स, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आपने राइड करी है, आपने सवारी करी है, आपको उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आप कैमल लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर कैमल आया था तो मोस्टली बच्चों ने कैमल की सवारी करी थी, ठीक है। एलिफेंट, हॉर्स, इसके अलावा अगर किसी और एनिमल की आपने सवारी करी है आप उनके नाम लिखेंगे। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स इन मूवीज, आपने अपने आसपास कई सारे एनिमल्स देखे होंगे, या फिर बुक में देखे होंगे या फिर मूवीज में भी देखे होंगे। सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, कुछ एनिमल्स जो हैं वो अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट, आपको कोई भी एक एनिमल सेलेक्ट करना है और उसके बारे में बताना है कि वो कैसा रहता है और उसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, ठीक है। आप कोई भी एनिमल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास पेट है कोई डॉग, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि आपका डॉग कैसा है, वो कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना वो ओबीडियंट है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे। थिंक एंड राइट, ठीक है, सोचो और लिखो। व्हाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो, आपको क्या लगता है कि जो इग्रेट है, इग्रेट मीन्स बगुला, ठीक है, ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठा होगा, तो आप बताएंगे क्यों बैठा होगा। ये इसलिए बैठा है इसके ऊपर ताकि जो बफेलो पर कुछ भी कीड़े मकोड़े आते हैं, फ्लाइज आती हैं, कुछ भी आएंगी, तो वो इग्रेट उन्हें खा लेगा, ठीक है। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम, क्या आपने कभी देखा है कि किसी एनिमल के ऊपर कोई और एनिमल सवारी कर रहा हो? अगर हाँ तो उसका नाम लिखिए। द एनिमल विच इज़ राइडिंग, आपको उस एनिमल का नाम लिखना है जो कि राइड कर रहा है, ठीक है, जो कि सवारी कर रहा है, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। द एनिमल विच गिव्स द राइड, और उस एनिमल का नाम लिखेंगे जो कि राइड दे रहा है, यानी कि जिसके ऊपर सवारी हो रही है। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, कौन से एनिमल हैं जो कि हम राइड के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से हैं, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, एट्सेट्रा। विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स, और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम अपना सामान कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, डोंकी, हॉर्स, एट्सेट्रा। इसके अलावा आप और भी एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारा सामान कैरी करने में। मेक योर ओन एलिफेंट, अपना एक हाथी बनाइए। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर, आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट पेज इसके बाद वाला पेज है इसमें एक एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ करके बताई है, तो आपको एक मोटा सा पेपर लेना है, थिक शीट ऑफ पेपर, ठीक है, और उसमें उसको ड्रॉ करना है। मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट इन द पिक्चर, आपको छोटे छोटे कट्स बनाने हैं उस पिक्चर में जहाँ पर लिखा होगा कट, और वहाँ पर सीजर बनी होगी। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट, आपको इतने ध्यान से करना है कि ताकि जो आपको एलिफेंट वाला पार्ट है वो कट ना हो, ठीक है। फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स, और जो वहाँ पर डॉटेड लाइन्स बनाई होंगी उसमें आपको वो फोल्ड करने हैं। फोल्ड द पार्ट विद स्लाइडिंग पैटर्न एंड पुश देम अंडरनेथ, आपको क्या करना है, फोल्ड करनी है जहाँ पर ये लाइन लाइन वाले पैटर्न्स होंगे और उनको पुश कर देना है अंदर की तरफ। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन, आपको अलग से एक टेल कट करनी है और जो आपने एलिफेंट बनाया है उसमें उसे ग्लू से स्टिक कर देना है, चिपका देना है। योर एलिफेंट इज रेडी, आपको जो एलिफेंट है वो तैयार हो जाएगा। कलर एंड डेकोरेटेड, आपको उसमें कलर करना है और उसे अच्छे से डेकोरेट कर देना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड, और फिर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपकी क्लास में सारे बच्चे हैं वो सब के सब इस तरह से एलिफेंट बनाएंगे जिस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है, और हम देखेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा एलिफेंट बनाया गया है, ठीक है। वट डू दे से, कौन क्या कह रहा है, ठीक है, इनमें से कौन क्या कह रहा है। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड रीड वॉट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, आप इन पिक्चर्स को देखिए और देखिए कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ क्या क्या बातें शेयर कर रहे हैं। डिस्कस दीज नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास, हमें ये क्लास में डिस्कस करना है कि ये आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्नेक,
स्नेक क्या कह रहा है? द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव। वो बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक ही घर है, वो है एक बास्केट। आई हैव फॉरगॉटन वॉट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। मैं तो भूल चुका हूँ कि कैसे एक खुले जंगल में और खुली हवा में रहा जाता है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। मेरे लिए तो सिर्फ क्या है, एक ये बास्केट ही है और सिर्फ ये क्या है, जहाँ पर मैं रहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो एक सफेरा होता है उसके पास एक स्नेक रखा होता है, वो उसे एक बास्केट में रखता है हमेशा कैद करके। तो उसके अंदर जो स्नेक है वो बता रहा है कि मैं तो भूल ही गया हूँ कि खुले में कैसे घूमते हैं, खुली हवा कैसे लेते हैं। वो क्या अपना एक दुख वाला हिस्सा शेयर कर रहा है, उसे बहुत ही गंदा फील होता है कि मुझे इस तरह से कैद किया गया है। ठीक है, यू सी मी इन सर्कस। यहाँ पर एक बेयर है जो बता रहा है कि आपने मुझे देखा होगा कहाँ, सर्कस में, डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। कि मैं क्या करता हूँ वहाँ पर, डांस करता हूँ और जो रिंग्स होती हैं जिनमें आग जल रही होती है उससे जंप करता हूँ। यू क्लैप एंड एंजॉय। आप तो तालियां बजाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय ऑल दिस। क्या आपको लगता है कि मैं भी ये सब चीज़ें इंजॉय करता हूँ? इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड ओनली गेट अ बीटिंग। अगर मैं ये सब नहीं करता हूँ, जंपिंग एंड डांसिंग, तो मुझे खाना नहीं मिलेगा और मुझे सिर्फ क्या मिलेगी, मार। ठीक है, तो इस वजह से वो बेयर वहाँ पर ये सब करता है। ये नहीं कि उस बेयर को वहाँ पर मज़ा आ रहा है, लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए बेयर को, स्नेक को इस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, सिर्फ बेयर और स्नेक ही नहीं, और भी एनिमल्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने तो सिर्फ देखा है कि मैं कितने तेज दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़। क्या आपने देखे हैं मेरे जूते। डू यू नो हाउ मच पेन। क्या आप जानते हैं कि उनमें कितना दर्द होता है मुझे। आई गेट वेन दे फिक्स द हॉर्स शूज़ टू माई हूफ्स। तो क्या आपको पता है कि जब वो हॉर्स शूज़, जो मेरे शूज़ हैं, वो मेरे पैरों में फ़िक्स करते हैं तो मुझे कितना पेन होता है। आपको ये नहीं पता, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। आपको तो लगता है कि मैं सिर्फ तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन जो वो उसके पीछे दर्द सहता है उस बारे में कोई नहीं जानता। नाउ मंकी। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। ये वो हमें सिर्फ डांस कराते हैं और डांस ही कराते हैं। इवन इफ़ वी डोंट वॉन्ट टू, यहाँ तक कि अगर हम करना भी ना चाहें तो भी वो हमें डांस कराते हैं। और वी आर इन पेन, या फिर हमें कुछ दर्द हो रहा हो, कुछ बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी हमें डांस करना पड़ता है। दैट टू विद एन एम्प्टी स्टमक, और वो भी एक खाली पेट के साथ। यानी कि बंदर जो हमारे सामने डांस करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो खाली पेट होते हैं, भूखे होते हैं, और उनका मालिक उन्हें तभी खाना देता है अगर वो डांस करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। नाउ कैट। मियाओ मियाओ मियाओ। कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। क्या है कि जो मियाओ मियाओ मियाओ, कैट चाहती है कि वो हर जगह घूमे और आराम से मियाओ मियाओ करते रहे। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन और अच्छे से सहलाते भी हैं, मुझे मिल्क भी देते हैं, लेकिन जो एनिमल की फ्रीडम है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक है, एनिमल्स भी अपना फ्रीडम चाहते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को भी फ्रीली चाहते हैं। अगर आपको भी कभी कैद कर लिया जाए तो आपको कैसा फील होगा, वैसे ही उन एनिमल्स को भी फील होता है। गुटर गू गुटर गू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन। जो कबूतर है वो कह रहा है कि पीपल मुझे ग्रेन्स फीड करते हैं और तभी मुझे बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं, पैरट और पिजन, इनको क्या है, कैद करके घर में रखते हैं, उन्हें टाइम से खाना तो देते हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी एनिमल है, उन्हें सिर्फ खाने से ही मतलब नहीं होता है, उन्हें क्या है, आराम से घूमना होता है। जैसे कि ह्यूमंस है, अगर ह्यूमंस को भी हम कैद करके रख लें तो हमें भी ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा, हमें टाइमली खाना तो मिलेगा लेकिन जो फ्रीडम हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। तो वैसे ही एनिमल्स भी होते हैं, उन्हें भी फ्रीडम चाहिए, वो भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें डांस कराया जाए, जंपिंग कराई जाए, या फिर उनसे कोई रेस करवाई जाए, क्योंकि जो रेस से प्रॉफिट होगा वो एनिमल्स नहीं जानते हैं,
ठीक है, एनिमल्स को कोई फ़ायदा नहीं होता है कोई भी रेस करके या लोगों को एंटरटेन करके, वो सिर्फ उनके मालिक को फ़ायदा होता है और अपने फ़ायदे के लिए वो एनिमल्स को भूखा तक रखते हैं ताकि वो लोगों को एंटरटेन करें और खूब पैसे कमाएं। डिस्कस, यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आपको आपने पढ़ लिया कि कौन सा एनिमल क्या शिकायत कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उनमें से कुछ कुछ क्यों सैड थे? ठीक है, तो वो क्यों सैड थे? क्योंकि उनके पास फ्रीडम नहीं है, उन्हें टाइमली खाना नहीं मिलता है, वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं तभी उन्हें खाना मिलता है। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट द मंकीज दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकीज दैट आर फ्री। आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से अलग हैं, जो एनिमल्स लोगों को डांस करके एंटरटेन करते हैं और जो मंकीज एकदम फ्रीली घूम रहे हैं? ठीक है, तो वो किस तरह से अलग हैं? जो डांस करके लोगों को एंटरटेन करते हैं वो उसके बाद खाना खाते हैं, है ना, लेकिन जो फ्रीली घूम रहे हैं उन्हें जब भी भूख लगे, जब भी जो मन करना हो वो कर सकते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट मंकी है वो ज़्यादा हैप्पी होगा। ठीक है, हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? यहाँ पर ये एक एलिफेंट की पिक्चर दी गई है, आपको बताने हैं कि इस एलिफेंट के कितने लेग्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपको ये कन्फ्यूजन अपनी दूर करनी है और देखना है कि इस एलिफेंट के कितने पैर हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर वैन इन ट्रबल। जो एलिफेंट्स हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं जब वो कुछ परेशानी में हैं। दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं अगर कोई भी किसी मुसीबत में फंस जाए। ठीक है, इस लेसन में हमने क्या है, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे एक हर्ड में रहते हैं, किस तरह से वो अपने बच्चों को सेफ रखते हैं, सिक्योरिटी रखते हैं, उन्हें पानी में खेलने में बहुत मज़ा आता है। और हमने कुछ और एनिमल्स के बारे में पढ़ा जो कि अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे कि वो जब कैद में रहते हैं तो उन्हें वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि हम फ्रीली घूमें। ठीक है, ओके, थैंक यू।